Hello dosto, please press the subscribe button and bell icon for more videos. फिर मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं महिपाल सिंह चौहान लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि 20,000 की प्राइस रेंज में पांच ऐसे कौन से बेहतरीन फोन है जो हमें बेफिक्र होकर खरीदने चाहिए। तो दोस्तों इसको सीक्वेंस वाइज मैंने कुछ एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा फोन होगा बेहतरीन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैमसंग के J7 मैक्स के बारे में जिसको मैंने रखा है फर्स्ट रैंक पे, जो मिलेगा आपको 18,000 की प्राइस रेंज में। सैमसंग J7 मैक्स में दोस्तों आपको मिलता है हीलियो का P20 प्रोसेसर है विद मीडिया टेक MT6757 जो एक फाइन फीचर्स है। उसके अलावा इसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम, उसके अलावा आपको मिलता है 13 MP का बैक कैमरा और 13 MP का फ्रंट कैमरा। जो आपकी सेल्फी की प्रॉब्लम है जिसलिए आप वीवो और ओप्पो खरीदते हैं तो उसके देख के ये फोन बनाया गया है। तो 13 MP के फ्रंट कैमरा मेरे हिसाब से काफी होगा आपको काफी अच्छी सेल्फी लेने के हिसाब से। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों की नया क्या है। नया दोस्तों इसका काफी अच्छी लुक है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल जो एक 18,000 की प्राइस रेंज है वो आपके लिए पूरा पैकेज है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे मैंने रखा है सोनी के X7 को। दोस्तों X7 एक ऐसा फोन है जिसमें आपको सैमसंग J7 मैक्स वाले ही फीचर्स मिलेंगे। आपको मिलेगा हीलियो P20 विद मीडिया टेक MT6757, लेकिन दोस्त इसमें आपको मिलता है 3 GB की रैम विथ 23 MP बैक कैमरा जो काफी अच्छा होता है। आपने सोनी के अगर फोन कभी देखे हो यूज किए हो तो आपको पता होगा कि सोनी कैमरे अच्छे रहते हैं। उसके अलावा इसमें आपको मिलती है 8 MP की फ्रंट कैमरा जो एक फाइन कैमरा है, काफी अच्छा कैमरा है। तो ये था एक स्पेसिफिकेशन इसका कि आपको एक नॉर्मल प्रोसेसर विथ 5.5 इंच LED डिस्प्ले के साथ आपको ये एक फोन मिलता है। उसके अलावा उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे एक फोन रखा है मैंने, जो वो भी मैंने यही इसी स्पेसिफिकेशन में रखा है। ये आपको सेल्फी कॉन्सेंट्रेट फोन मिलेगा सोनी का। दोस्तों जो सोनी का X7 है उसी का अल्ट्रा वर्जन है, इसको X अल्ट्रा बोलते हैं। यह आपको मिलता है प्राइस रेंज 20,000 की रेंज में। ये सारी प्राइजेस दोस्तों बिफोर GST है, आफ्टर GST आपको प्राइजेस बढ़े या घटे इसका मुझे अंदाजा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमें मिल रहा है हीलियो का P20 प्रोसेसर, वही प्रोसेसर मीडिया टेक MT67, लेकिन इसमें जो आपको मिलती है बैक कैमरा जो मिलता है वो मिलता है आपको 22 MP का और वही फ्रंट कैमरा आपको बढ़ के मिलता है 16 MP का। 3 GB की रैम है, 2700mAh की बैटरी है और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये आपको मिलेगा, काफी अच्छे लुक के साथ ये आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा आपको 20,000 की रेंज में। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे फोन जो मैंने रखा है, तीसरे नंबर का हमने बात कर ली, चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पे मैंने रखा है जियोनी के A1 को। दोस्तों जियोनी को मैंने इसलिए रखा है कि जियोनी की जो मैंने एक खासियत देखी कि इसकी जो लाइफ है, जियोनी के फोन्स की लाइफ जो है एक लेवल पे होके चलती है, मतलब एक लेवल है कि हाँ इस लेवल पे आपको जियोनी की लाइफ चलती है। इसके अलावा ये जो फोन है ये आपको मिलता है 5.5 इंच की स्क्रीन के साथ, इसमें आपको मिलता है 13 MP बैक कैमरा और 16 MP फ्रंट कैमरा जो एक सेल्फिस्तान फोन है, मतलब सेल्फी कॉन्सेंट्रेट फोन है। तो ये आपको मिलेगा विद हीलियो P10 प्रोसेसर दोस्तों, जो एक मतलब आप अगर 18 में J7 मैक्स ले सकते तो वो लीजिए, अगर आप जियोनी पे ट्रस्ट करते हैं और आपको सेल्फी ज्यादा ही ब्यूटी मोड पे चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको P10 प्रोसेसर के साथ वही मीडिया टेक मिलता है MT6755 के साथ और आपको मिलेगी 4 GB की रैम। तो एक अच्छा फीचर है, काफी अच्छा फोन है, लुक में अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो नॉर्मल चीजें सब में मिल रही है वो आपको इसमें मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो उसके बाद जो इसके स्पेशल फीचर्स है वो सेल्फी है दोस्तों, प्रोसेसर वही नॉर्मल प्रोसेसर है मैं आपको फिर से बता दूं। उसके बाद जो पांचवें नंबर पे मैंने फोन रखा है वो मैंने रखा है मोटो का G5 प्लस, क्योंकि मोटो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड के हिसाब से आप इसमें चल सकते हैं कि आपको इसमें 8 MP का बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा और 13 MP का बैक कैमरा मिल रहा है और कैमरे के जो रिजल्ट है वो जो आपका लेंस है वो काफी अच्छा है। G4 प्लस के आपने फोटोज देखे होंगे, काफी क्लियर फोटो आते हैं, उसी तरीके से G5 के भी फोटो काफी अच्छे हैं। तो ये जो फोन है ये आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं, लेकिन मोटो के G5 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर दोस्तों। तो स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है जो आपको वही फोन 13,000 की रेंज में, मतलब MI का जो फोन है रेडमी नोट फोन उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मोटो का ट्रस्ट है उसका जो कैमरा है वो काफी क्लियर है और लुक जो है काफी ट्रेंडी लुक है अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको मोटो G5 रिकमेंड करता हूँ जो आपको मिलेगा 16,000 की प्राइस में।
तो ये सारे फोन जो है दोस्तों ये 15 to 20,000 की रेंज में है, बेस्ट इन इस कैटेगरी। तो ये फोन आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी बेहतरीन वीडियो और भी सजेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। और भी आपके पास कोई सजेशन है कि इससे और भी बेहतरीन फोन है जो इस प्राइस रेंज में है तो मुझे बताइए उस चीज के बारे में, मैं जानूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं उसमें। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।